वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। बोकारो स्टील प्लांट BSL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए, 2019 साल में जनवरी महीने में इसका रिक्रूटमेंट आया था। तो इसका बाद इसका तरफ से कोई भी अपडेट नहीं था 2020 में। 2021 का शुरुआत में इसका अपडेट आया था, एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हुआ था। एडमिट का डाउनलोड करने से पहले एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो गया था। इसका बाद से बहुत सारा स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे। तो इससे पहले आप लोग का अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का एडमिट का डिक्लेयर हो गया है और इसका एग्ज़ाम भी कम्प्लीटेड हो गया है। बहुत सारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा था सर, जब ऑपरेटर का टेक्नीशियन ट्रेनी OCTT का जब एडमिट कार्ड आएगा तो ज़रूर बताना। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो गया है। तो आप लोग शांत होकर पूरा वीडियो देखिए, मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मैं आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं मैं सेल का ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो इसका लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके सीधा ए वाला वेबसाइट में आप आ सकते हैं और इसका बाद अपना अपना एडमिट कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आपको जॉब ओपनिंग सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल 3 टैब रहेगा, जॉब्स, न्यूज़ एंड आपको डाउनलोड सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको न्यूज़ सेक्शन में जाना पड़ेगा। न्यूज़ सेक्शन में आने का बाद आपको बोकारो स्टील प्लांट का एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं न्यूज़ सेक्शन का सबसे ऊपर में दिखाएगा बोकारो स्टील प्लांट एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ओपन हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आता है, सर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, आप बता दीजिए। तो मैं आप लोग को बता दूंगा और आप लोग इजीली एक ही चांस में अपना अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल ऑप्शन में आना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना एडमिट कार्ड को हिंदी में लेना चाहते हो तो हिंदी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा। जनरली आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा तो वो आप लोग पुट कर देना। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप लोग का दिखाता है कि इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, क्यों दिखाता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे मेरा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 05/07/1998। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डेट 05 लिखना पड़ेगा, उसके बाद हाइफ़न देना पड़ेगा, उसके बाद मंथ लिखना पड़ता है 07-। जैसे मेरा डेट ऑफ ईयर 1998, तो टोटल 4 डिजिट हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लिखना पड़ेगा, 98 हमको लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ, 05-07-98। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1997, तो सिर्फ 97 उधर लिखना पड़ेगा, 2 ही डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग लिख लीजिए। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2002, तो सिर्फ उसको 02 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ अगर आप लोग पुट कर देंगे, इसके बाद कैप्चा देने के बाद आप लोग का लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद मैं आप लोग को दिखा दूंगा आप लोग का एडमिट कार्ड कैसे आएगा। तो एडमिट कार्ड आप लोग कब से कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, 19 जुलाई से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 2 अगस्त 2021। तो आप लोग का एग्ज़ाम भी है 2 अगस्त। तो आप लोग को मैं एडमिट कार्ड में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया हूँ। तो ऐसे आप लोगों का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले रोल नंबर या यूज़र आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग का CBT एग्ज़ाम होने वाला है। उसका नीचे उसका पासवर्ड देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड एड्रेस, आप लोग का वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं कहाँ पर आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर है। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 अगस्त 2021, सोमवार आप लोग का एग्जाम है, रिपोर्टिंग टाइम 2:01 है। इसके बाद आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा, उसमें आपको एक्रॉस साइन भी करना पड़ेगा, तो वो आपको एग्जाम हॉल में जाके करना पड़ेगा। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन टोटल 3 पेज का देखने को मिल जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का पास जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, आप लोगों का मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रहना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट का मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं रहेगा, उसका पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और जिसका पास मोबाइल ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, उसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। तो ये था आप सभी के लिए एक टोटल गाइडेंस वीडियो। वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोगों को सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।